हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह एंड आई एम इंग्लिश ट्रेनर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूं एक एडवांस फ्रेज के बारे में जो न्यूज़पेपर्स में काफी यूज होते हैं, तो देखते हैं वो क्या है। दोस्तों, ये जो फ्रेज है इसका नाम है पर से। हो सकता है आप में से कई लोग बहुत फर्स्ट टाइम सुन रहे हो, पहली बार सुन रहे हो इस बारे में कि पर से भी कोई चीज है। पर से का इस्तेमाल इंग्लिश में होता है फ्रेंड्स, अपनी कॉन्वर्सेशन में आप कर सकते हैं। पर से का मतलब क्या होता है इसे देखते हैं गाइस। पर से को हिंदी में देखिए तो लिखा है अपने आप में, यानी कि इंग्लिश में अगर देखें तो इन इटसेल्फ, कोई चीज अपने आप में। ये गाना अपने आप में अच्छा है, तो दिस सॉन्ग पर से, पर से मतलब अपने आप में, इन इटसेल्फ, बाय इटसेल्फ, इस तरीके से हम इंग्लिश में बताते हैं। हिंदी में अपने आप में, खुद में, वो बंदा अपने आप में उतना बुरा नहीं है, जितना उसके कमेंट्स बुरे होते हो, खुद बेचारा उतना नहीं है। तो अपने आप में, खुद, तो वहां पर हम पर से का इस्तेमाल करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले मैं आपको न्यूज़पेपर में कटिंग दिखाता हूं कि कहां पर से का इस्तेमाल हुआ है। तो आइए देखते हैं न्यूज़पेपर के छोटे से आर्टिकल में पर से का इस्तेमाल। दोस्तों देखिए, यहां पर आपको पर से दिखाई दे रहा होगा, PERSE, पर से। अभी क्या लिखा हुआ है, यहां लिखा है कि आई थिंक This problem is not limited to actors per se। ये जो actors है इसके बाद per se आया है। वो कह रहा है कि I think, मुझे लगता है this problem, या जो problem है, is not limited, ये limited नहीं है, actors में ही limited नहीं, तो not limited to actors per se, यानी कि actors के अपने आप में चीज limited नहीं है। तो per se का मतलब है कि अपने आप में, अभी actors के बाद per se है, यानी कि actors में अपने आप में, किसी चीज के बाद लग जाए, सॉन्ग के बाद पर से लग जाए तो गाना अपने आप में। तो ऐसे आप पर से का इस्तेमाल गाइस करते हैं। तो इस न्यूज़पेपर में आपने पर से को देखा है, अब दिखाता हूं मैं आगे कुछ और एग्जांपल्स बोर्ड पे, तो आइए देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों देखा आपने कि न्यूज़पेपर में भी पर से का इस्तेमाल किया गया था, तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं दोस्तों। यहां पर एक सेंटेंस है, यहां लिखा है कि आई वुड नॉट से, मैं नहीं कहूंगा, That you are a rude person per se। यहां पर देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, फिर से देखिए, यहां लिखा हुआ है कि I would not say, मैं ऐसा नहीं कहूंगा, that you are a rude person per se, कि तुम अपने आप में एक rude व्यक्ति हो। per se का मतलब अपने आप में, by itself। तो मैं नहीं कहूंगा कि तुम अपने आप में एक rude व्यक्ति हो। तो देख रहे हैं आप कि person, तो यहां जो चीज होगा, चाहे इंसान का जिक्र हो या किसी भी नॉन लिविंग थिंग का जिक्र हो, उसके बाद अगर आपको पर से दिखाई दे दे तो कि ये जो चीज है ये अपने आप में, आपको ऐसे समझना होगा फ्रेंड्स। तो क्लियर है कि तुम अपने आप में एक रूट पर्सन नहीं हो, बट आई डू फील, मैं ये महसूस करता हूं, दैट यू कैन मेक रूट कॉमेंट्स, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप रूट कॉमेंट्स कर सकते हो। तो पूरा कहने का मतलब है कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपने आप में एक बुरे व्यक्ति हो, लेकिन आप रूड कमेंट्स कर सकते हो। तो आपने देखा कि पर से का इस्तेमाल भी आजकल काफी हो रहा है न्यूज़पेपर में, तो आपको भी आना चाहिए। एक और है, यहां लिखा है कि रिसर्च शोज दैट, रिसर्च ऐसा दिखाता है कि इट इज नॉट डाइवोर्स पर से। अब देखिए, डाइवोर्स के बाद यहां पर आपको पर से दिखाई दे रहा है, कह रहा है कि रिसर्च ऐसा दिखाता है कि इट इज नॉट डाइवोर्स पर से, डाइवोर्स अपने आप में वो नहीं है, दैट हार्म्स चिल्ड्रन, जो कि चिल्ड्रन को हार्म करता है। यानी कि सिर्फ डाइवोर्स अपने आप में वो चीज नहीं है जिस वजह से चिल्ड्रन हार्म होते हैं, हो सकता है कुछ और भी ऐसी चीजें हों जिसकी वजह से बच्चों को परेशानी होती है। सिर्फ डाइवोर्स अपने आप में वो एक बदनामी नहीं है, अपने आप में वो चीज नहीं है जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। तो मेरा बस कहने का मकसद ये है कि कहीं भी आपको पर से दिखाई दे दे, कोई भी सेंटेंस हो, तो आप देखिए कि पर से के पहले यहां पर जो एंटीसीडेंट है, जो बगल में जो आप देख रहे हैं, यहां पे जो चीज है उसके बाद अगर पर से है तो ये चीज अपने आप में, ये कहने का मतलब, खुद पे खुद, अपने आप में, इन इटसेल्फ, बाय इटसेल्फ। एक और देखते हैं, यहां लिखा है कि द सॉन्ग पर से वाजंट अ बैड चॉइस। अब इसका क्या मतलब है कि द सॉन्ग पर से, ये आप सॉन्ग देख रहे हैं, इसके बाद यहां पर लिखा है पर से, द सॉन्ग पर से, यानी कि गाना अपने आप में wasn't a bad choice, एक bad choice नहीं था, वो जो गाना अपने आप में कोई बुरा choice नहीं था कि वो गाना बुरा हो।
इट वॉज योर सिंगिंग, ये तो तुम्हारी सिंगिंग थी, सिंगिंग वॉइस, तुम्हारे गाने की जो आवाज थी, दैट वॉज एट्रोशियस, यानी कि वो बहुत ही घटिया थी, भद्दा थी, बेकार थी। ये गाना अपने आप में खराब नहीं था, कहने का मतलब है कि जो गाना है पर से वाजंट अ बैड चॉइस, ये गाना अपने आप में कोई बैड चॉइस नहीं था कि भाई ये गाना क्यों चूज किया, ये तो गाना ही खराब है, वो गाना खराब नहीं था, तुम्हारी आवाज खराब थी, तुम्हारी सिंगिंग खराब थी। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि अगर आपको किसी न्यूज़पेपर में पर से दिखाई दे तो समझ लीजिए कि पर से का मतलब है अपने आप में, इन इटसेल्फ, बाय इटसेल्फ। तो बस गाइस यही था एक छोटा सा एडवांस स्ट्रक्चर का वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी व्यूअर के रिक्वेस्ट के साथ। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। अगर आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू गाइस।